गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस वीडियो. हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू. लेकिन अभी मैं ये व्लॉग को थोड़ा पीछे लेके जा रही हूँ. जो मैंने फ्राइडे को मेरा उपवास शाम को छोड़ा था, तभी मैंने एक पुलाव बनाया था, तो उसका मैंने रेसिपी शूट किया था. तभी मैंने सिंस शूट किया तो मैंने सोचा शेयर कर ही लूँ, क्योंकि बहुत कम ऐसा मुझे चांस मिलता है कि मैं कोई रेसिपी शूट करके शेयर कर पाऊँ. तो मैंने कहा जब शूट हो चुका है तो इसको शेयर कर ही देती हूँ. एक्चुअली जो आज वीडियो अपलोड हुआ ना, उसमें ही उसको एडिट किया था, लेकिन बहुत लंबा 26 मिनट का वीडियो हो गया था, तो मैंने वो फ्राइडे वाला हटा दिया. सिर्फ सैटरडे का व्लॉग पोस्ट किया है और ये रेसिपी वाला व्लॉग में अभी ये वाली वीडियो के साथ ऐड कर लेती हूँ. और आज संडे है, मैं मच्छी मार्केट जाकर आई फाइनली. आज बारिश नहीं था तो आफ्टर सो मेनी डेज वी गॉट फिश इन द हाउस. मैं प्रॉन्स लेकर आई, पापलेट लेकर आई और बोम्बिल लेकर आई. अब मम्मा जैसे बोलेगी वैसे उसका फ्राई रसा जो भी करना है वो हो जाएगा. सो मम्मा इज़ क्लीनिंग द फिश. सानू जस्ट अभी उठी है ब्रश करके, एज यूजल अपना ड्राइंग करके हो गया, अब वो मोबाइल देख रही है. अब उसको फ्रेश कराऊंगी. और कल का लाइव का जो रिस्पांस आया ना, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया कल के लाइव ने. एक भी उसमें का पीस, इयरिंग का पीस बचा नहीं. कल 12 बजे तक सारे पीसेस सोल्ड आउट हो गए. सिर्फ एक रेड कलर का रह गया था और इनफैक्ट कम पड़ गया. मुझे कितने सारे जन को ना ऐसा सॉरी सोल्ड आउट बोलना पड़ा. मुझे इतना बुरा लग रहा था ना बोलने के लिए कि मेरे पास स्टॉक ही नहीं है करके, क्योंकि मुझे रिसीव ही मिनिमम स्टॉक हुआ तो सारा स्टॉक कल की लाइव में ख़त्म हो गया. 12 बजे तक सब जो टॉप्स थे ना, ब्लू, ग्रीन, वाइट एंड रेड वाले, वो सब खत्म हो गए. बाकी का भी जो मैंने दिखा उसमें भी अभी एक एक पीस ही बचा है, वो भी सारे खत्म हो गए. सो द रिस्पॉन्स वॉज अमेजिंग, मतलब अमेजिंग था. मुझे सोते सोते ही कितना 1:30 बज गया. मेरा लास्ट चैट आई थिंक श्रुतिका मैम के साथ था, उनका जो ईयरिंग उन्होंने फाइनल किया. उसके बाद फिर मैं बाकी का थोड़ा काम था वो वाइंड अप करके ब्लॉग को अपलोडिंग के लिए रख के फिर मैं सो गई. तो 1:30 बज गया मुझे कल का पूरा दिन, पूरा शाम मेरा बुकिंग में ही गया. मैं दोपहर को कितने बजे सोई, सानू 3 बजे ट्यूशन गई, 3:30 तक मैं सोई, 4:30 को उठ गई, 1 घंटे के लिए सोई. और जैसे उठी मैंने मोबाइल ओपन करके देखा 4:30 को, तो 45 मैसेजेस आ चुके थे उसके ऊपर चैट पे. उसमें थोड़े बहुत मैसेजेस जो हम लोग का ये सोसाइटी का लेडीज ग्रुप है ना, उसका भी था रिलेटेड टू वाटर, 5 बजे आएगा कि नहीं आएगा. और बाकी के जो चैट्स थे मेरे वो रिलेटेड टू ज्वेलरी था. तो मैंने बोला बाप रे, आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे 1 घंटे के अंदर 45 चैट्स रिसीव हुए. सबका स्क्रीनशॉट आया था फटाफट फटाफट के, इशिता मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे. तो एक एक करते मैं सबको रिप्लाई करते करते फिर हम लोग के जो लेडीज ग्रुप में भी मैंने वीडियो डाला था जो आप लोग को भी मिला था. तो हम लोग के नीचे ही सेकेंड फ्लोर पे एक लेडी रहती है राधिका ताई, और उनके नेबर वो दोनों घर पर आए. उनके साथ मेरा 1.5 घंटा गया. रेशमा भी कल अर्नव को छोड़ने आई थी, तभी उसको भी उसके मदर इन लॉ के लिए, जो मैंने आप लोग को पर्ल वाला बोला था ना, रेशमा आपके मदर इन लॉ के लिए एकदम परफेक्ट है, तो रेशमा वो लेने के लिए आई थी. तो कल पूरा इवनिंग मेरा इतना बिजी गया, सबका लॉकिंग सिस्टम में मोस्टली तो 80% लॉकिंग सिस्टम में ही चला गया. बहुत कम जन ऐसे थे जिनको था कि नहीं इच्छा था पार्सल भेज दे, हमसे रहा नहीं जाएगा एंड ऑफ द मंथ तक, तो अभी का अभी डिस्पैच कर दे, विल पे यू द 50 रुपीज़, और कुरियर तो मंडे को ही डिस्पैच कर देना. तो 20% थे जिनका डिस्पैचिंग का था, बाकी 80% वालों ने लॉकिंग सिस्टम ही करा दिया. एंड रिस्पॉन्स वॉज अमेजिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द कलेक्शन. ऐसा ही हर सैटरडे जाए मेरा. सो एनीवेज, अभी आप लोग वो रेसिपी वाला ब्लॉग देकर आइए, उसके बाद मैं आप लोग को ये वाले ब्लॉग में कंटिन्यू कराती हूँ. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. मैं सेम डे व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ. सुबह का तो व्लॉग खत्म हो गया, अभी मैं शाम का, एक्चुअली मैं ये नहीं शूट करने वाली थी, बट मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मैं उपवास के दिन शाम को कैसे मेरा उपवास छोड़ती हूँ. एंड प्लीज़ इसमें कोई भी कुछ कमेंट मत करना, इट्स रिलेटेड टू गॉड, तो प्लीज़ इसमें कुछ भी आप जजमेंट नहीं कीजिए. अब बेसिकली उपवास में कैसे होता है, जब आप उपवास छोड़ते हो तो आपको दाल राइस खा के उपवास छोड़ना होता है, वो मेन होता है, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो. तो मैं क्या करती हूँ यूजली शाम के टाइम पे ना, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं दाल राइस अलग अलग बनाती हूँ, क्योंकि सुबह का ऑलरेडी दाल राइस बना हुआ रहता है, फिर मेरे लिए अलग से बनाओ, सुबह का अलग, घर का इनका अलग खाना. तो मैं क्या करती हूँ, एक सिंपल पुलाव ही बना देती हूँ कभी कभी. जैसे उस दिन मैंने वो हरा वाला पुलाव बनाया था, और आज मैं बना रही हूँ मसाले वाला पुलाव. वेरी सिंपल, जो भी आपके घर में वेजिटेबल अवेलेबल होगा ना, वो वेजिटेबल आप यूज़ करके पुलाव बना सकते हो. और मेरे पास मटर लास्ट टाइम मैंने जब बनाया था उसमें ख़त्म हो गया, तो आज सुबह मैं फ्रोज़न वाला लेकर आई. यूजली आई डोंट गेट फ्रोज़न वाला, वो मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ जो ओरिजिनल मटर होता है, बट अभी मुझे आज चाहिए ही था ये रेसिपी में, तो मैं बोला लेके जाती हूँ, थोड़ा सा ये ऐड कर दूंगी. सो मैं डालने वाली थोड़ा सा मटर, उसके बाद मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट करके रखा है सुंदर सा कलरफुल. इसमें हरा धनिया, मिर्ची, गाजर, कैप्सिकम, कांदा, टमाटर, जो भी आपके पास वेजिटेबल होगा आप वो कट करके इसमें ऐड कर सकते हो एज पर योर चॉइस. एक आलू लिया, उसको बारीक बारीक कट करके पानी में सोख करके रखा है. और सेंस मेरा उपवास है तो मुझे दाल राइस खा के उपवास छोड़ना है, तो मैं अलग अलग नहीं बना रही हूँ. तो ये थोड़ा सा मैंने तुअर दाल को गर्म पानी में सोख करके रखा है आधा घंटा भर.
क्योंकि आपको पता है मसूर दाल जल्दी से पुलाव में कुक नहीं होता, उसको थोड़ा पानी का क्वांटिटी ज़्यादा लगता है, तो सोक करके रखेंगे तो कैसे वो हाफ गर्म पानी में तो हाफ कुक हो जाता है, फिर पुलाव के पानी में वो प्रॉपरली कुक हो जाता है। अब सिंस मेरा उपवास है इसके लिए मैंने उसमें वो तुअर दाल थोड़ा सा लिया है, आप उसको स्किप कर देना क्योंकि आपको तो वैसा उपवास का खाना नहीं खाना है। तो मैं आपको क्विकली दिखा दूँ, ये आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो, कभी आपको खाना बनाने बोर होगा ना तभी आप बना सकते हो, या कहीं आप बाहर से आ गए और इंस्टेंटली आपको कुछ कुक करना है या गेस्ट आ गए कुछ अच्छा सा कुक करना है, तो ये भी इसमें आप सोयाबीन भी डाल सकते हो, जो सोयाबीन आता है गर्म पानी में भिगा के वो भी डाल सकते हो, तो बहुत टेस्टी लगता है। और इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ रायता। रायता कौन सा बनाऊंगी वो भी आप लोगों को दिखाते हो, पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने तेल रख दिया, तेल गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं इसमें गर्म मसाला ऐड करूंगी और उसको हल्का सा एक मिनट थोड़ा सा रोस्ट करके ले लूंगी ताकि उसका पूरा फ्लेवर तेल में आ जाए। अब ये हो गया, अब इसमें सारे वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। और ये दाल भी मैं इस वक्त ही ऐड कर दूंगी, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके लिया है ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। अब इससे थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी ताकि जो भी वेजिटेबल डाला उसको अच्छे से नमक कोट हो जाए और जल्दी कुक भी हो जाए। अब इसको मिक्स करना है और ये जो एक हरा मिर्ची काटा था वो भी ऐड कर दूंगी, मिक्स करना है और इसको थोड़ा अच्छे से कुक करके लेना है, तो कवर करके 5 मिनट में स्लो गैस पे रख दूंगी। तो ये वेजिटेबल भी ऑलमोस्ट 5 से 8 मिनट अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें फटाफट सब मसाला ऐड कर देंगे और लास्ट टाइम थोड़ा तीखा बन गया था ना वो ग्रीन वाला, तो इस टाइम थोड़ा मैं मिर्ची पाउडर कम डालूंगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा जीरा पाउडर ऑप्शनली अगर आपको पसंद है तो डालिए, उसके बाद हल्का सा हींग, हल्दी पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा क्योंकि मैंने अखा गरम मसाला भी डाला है तो थोड़ा फ्लेवर के लिए, कलर वाला मिर्ची पाउडर ताकि उसको अच्छा कलर आए, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा सा ही, और थोड़ा सा तीखा वाला। अब बस इसको मिक्स करके लेना अच्छे से ताकि मसाला वेजिटेबल भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैंने राइस को वॉश करके रखा है, ये मैंने बासमती टुकड़ा मोगरा वाला लिया है, इसको बहुत अच्छी खुशबू है। ऑप्शनल है आपको जो राइस पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं ये वाला यूज़ करना है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ना हरा धनिया ऐड करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास पाउडर नहीं है, अगर आपके पास पाउडर होगा तो हरा धनिया का पाउडर ऐड कर देना, सूखा हरा धनिया का धनिया पाउडर। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे ग्रीन वाला डाल रही हूँ, फ्रेश वाला। अब ये जो राइस है इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद भी मैं इसको 2 मिनट अच्छे से मिक्स करके रख दूंगी ताकि राइस में मसाला और वेजिटेबल अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, उसके बाद में इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखिए ये मिक्स हो गया है, अब इसको 2 मिनट ऐसे कवर करके रख देंगे। अभी ये देखिए अच्छे से सूख गया है, मसाला अच्छे से मिक्स हो गया राइस में। और आपके पास अगर फ्लावर होगा ना तो फ्लावर भी डालना, बहुत टेस्टी लगता है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालना होगा तो वो भी आप डाल सकते हो, मैंने आज नहीं डाला, ऐसे ही बस मेरा मन नहीं कर रहा था। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे जितना राइस को कुक होने के लिए चाहिए, आप जो राइस यूज़ करोगे उसके हिसाब से आप पानी ऐड करना, ये टुकड़ा राइस है तो इसको पानी कम लगता है। और मैं एक सीटी होने से पहले ही इसको बंद कर देती हूँ, 10 से 12 मिनट स्टीम देख के बंद कर देती हूँ, ये स्टीम में ही पक जाता है, सीटी देने की ज़रूरत ही नहीं लगती है। तो देखिए इतना पानी सफिशेंट है, इसमें पूरा पुलाव प्रॉपरली कुक हो जाएगा। तो जब तक मेरा पुलाव रेडी हो रहा है यहाँ पे मैंने रायता का तैयारी कर दिया है। अब इसमें मैंने क्या किया, एक काकड़ी को कद्दूकस करके लिया है, शक्कर नमक एक मिर्ची पाउडर नहीं अखा मिर्ची को स्लिट किया है, हरा धनिया और ये सिंगदाने का कूट है, सिंगदाने को रोस्ट करके ग्राइंड करके उसका पाउडर जो हम लोग ऑलरेडी हमेशा स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में उसमें से मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं दही ऐड करूंगी और उसके बाद इसमें बूंदी ऐड कर लूंगी, बूंदी ऑप्शनल है, आप बिना बूंदी का भी बना सकते हो, बिना बूंदी का भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें देखिए मैंने दही अच्छे से मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा बूंदी डाला है, बूंदी एकदम ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालिए वरना बिना बूंदी का भी ये बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ काकड़ी सिंगदाने वाला रायता, आप इसको वेज नॉन वेज किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, बहुत टेस्टी है, ज़रूर एक बार इसको बनाना।
इसमें आप थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। इंस्टेड ऑफ नमक आप चाट मसाला भी ऐड करना, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। सो ये देखिए इतना यम्मी सा पुलाव हो गया रेडी और एकदम छुट्टा छुट्टा राइस बन गया, बिल्कुल भी चिकट नहीं बना है। रायता, अचार, आपको चाहिए तो आप पापड़ भी ले सकते हो एंड दिस टेस्ट। और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ना घी डाला है तो ये एकदम टेस्टी पुलाव रेडी हो गया है। तो डिनर वगैरह सब करके हो गया है, कल के लाइव का तैयारी भी करके हो गया। ऑलमोस्ट मैंने सारे ज्वेलरीज निकाल के रख दिए जो कल मुझे दिखाना है लाइव में, और मेरा आज उपवास भी हो गया। तो जितना पॉसिबल था उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड प्लस बोलते हैं ना हम लोग बचपन से, बड़े बुजुर्ग उनसे सुनते आ रहे हैं कि मन में भावना और श्रद्धा अच्छे से होना चाहिए। तो आप बोलते ना दिल से श्रद्धा से कोई भी चीज़ करो, बाकी सब भगवान पे छोड़ देने का। तो इसके लिए मैं जो ये उपवास करती हूँ ये दिल से और श्रद्धा और विश्वास से करती हूँ, इसलिए मैं इसको जब छोड़ते वक्त ऐसा बोलते ना पूरा प्रॉपर दाल चावल चपाती भाजी ऐसा खा के उपवास छोड़ना होता है। बट अभी मेरा घर का सिचुएशन भी वैसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग काम बनाते बैठो, इसलिए मैं शॉर्टकट में दाल थोड़ा भिगा लेती हूँ पुलाव में, उसको मिक्स कर देती हूँ। और वैसे भी अगर हम लोग भाजी बनाएंगे तो मिक्स वेजिटेबल का भाजी मसाला वगैरह डाल के बनाते ही है, तो दाल राइस और भाजी के साथ उपवास छोड़ देते हैं। तो मैं उस सब चीज़ को एक साथ मिक्स करके पका देती हूँ, तो मेरा जो इंटेंशन है दैट इज़ वेरी जेन्यून एंड वेरी प्योर। तो इसके लिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ प्लीज़ इस पर कुछ भी जज मत करना, कमेंट मत करना, बिकॉज ये मैं मेरे सिचुएशन के हिसाब से करती हूँ, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली करती हूँ या मुझे करना ही चाहिए। जैसा मेरा फ्लो चल रहा है, काम है, घर है, सब कुछ देख के उसके बाद मैं ये सब मैनेज करती हूँ। तो प्लीज़ इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँ कि इसके ऊपर मुझे कुछ भी कमेंट मत करना आप लोग। एंड एनीवेज अभी के लिए आप लोगों को सबको गुड नाइट। सानू अपना हिंदी का रिविजन कर रही है, एक बार डिस्टर्ब कर दूंगी ना फिर वो वापस बैठती नहीं है, इसके लिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। और उसके बाद अभी मैं ब्लॉग एंड करूँ क्योंकि उसका कान भी बहुत शार्प है, जब उसको सुनाई देता है ना मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि चलो ब्लॉग एंड, तो वहाँ से वो भाग कर आ जाती है फिर बाद में कि मम्मा मुझे क्लोजिंग में लिया नहीं, फिर रोने लग जाती है। तो मैंने कहा अभी मैं दरवाज़ा बंद करके फिर ही ब्लॉग को एंड करती हूँ, मतलब मैं एंड नहीं कर रही हूँ अभी के लिए, आप लोग को गुड नाइट बोल रही हूँ। मैं कल सुबह उठने के बाद वापस इस ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। तो ये देखिए अभी जस्ट गरम गरम चपाती बना के हो गया है और यहाँ पर रस्सा कोलंबी का रस्सा हो गया रेडी, दाल राइस का भी कुकर हो गया रेडी, और ये प्रॉन्स को मसाला लगा के रखा है, पापलेट को मसाला लगा के रखा है और बोम्बिल को मसाला लगा के रखा है। अभी ये तीनों गैस को मैं फ्री कर देती हूँ और दो तवा रख के फटाफट ये तीनों मच्छी को फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। तो ये यहाँ पे मस्त प्रॉन्स मसाला रेडी हो गया है, ये राइस में मिक्स करके खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, दाल राइस प्रॉन्स मसाला या सिर्फ प्लेन राइस में भी आप मिक्स करके खाओ कांदे के साथ क्या टेस्टी लगता है। और यहाँ पे पापलेट और बोम्बिल हो रहा है फ्राई, अभी मैं डैडी को सर्व करूँ क्योंकि डैडी के लिए रेडी हो चुका है, फिर जो सेकेंड फिश फ्राई करूँगी वो हम लोग के लिए हो जाएगा, ये मम्मी और डैडी के लिए हो गया है। कल का जो मैंने लाइव दिखा था ये रही मम्मा, और उसमें से मम्मी को ये वाला कलेक्शन पसंद आया जो गोल्ड में मैंने आप लोगों को फ्लावर टाइप दिखाया था ना बीच में स्टोन वाला, तो ये मम्मी को बहुत पसंद आया तो मम्मी ने अपने लिए ले लिया। तो अभी इसमें मेरे पास सिर्फ दो पीस ही बचा है। कैसा हटा मम्मा, मस्त दिखता है ना एकदम, असा कान बस लेला भर लेला, हाँ सिंपल रेग्युलर घालायला पण बरं आहे, कुठे असं यायला जायला पण मस्त आहे ना। और मम्मी को सूट भी अच्छे से कर रहे हो, अच्छा दिख रहा है वो तो मम्मा ने ड्रेस पहना है, साड़ी पे पहनेंगे तो और अच्छा दिखेगा है ना, आणि कालचा कलेक्शन पण छान होता ना, मस्त होता। आज ना एक्चुअली थोड़ा मिक्स वाला व्लॉग हो रहा है, फ्राइडे का और आज का संडे का व्लॉग मिक्स। और आज हम लोग फाइनली कितने दिन के बाद गार्डन है ना नानू, है ना पूरा आई थिंक रेनी सीजन स्टार्ट हुआ ना तब से हम लोग गार्डन आ ही नहीं पाए क्योंकि ये टाइम पे यूजुअली बारिश ही रहता है या तो पूरा गार्डन पानी से भरा हुआ रहता है। तो आज सूखा भी था, सुबह से बारिश भी कम हुआ, तो सानू वाज लाइक वेरॉन को आने के लिए टाइम है और अर्नव दादा को भी आने के लिए टाइम है, तो तब तक हम लोग गार्डन चले जाते थोड़ा खेल लेते, फिर तब तक वेरॉन भी आ जाएगा, रश्मि उसको लेकर आ रही है अभी, अगर अर्नव भी आ जाता है तो अर्नव भी यहाँ खेल लेगा थोड़ा, फिर चलेगा हम लोग के साथ घर पे। वियाना को भी मैंने फ़ोन किया, अगर वियाना भी सोई अभी, अगर उसको भी पॉसिबल होगा तो शील ऑल्सो कम। तो सानू के सारे फ्रेंड्स को मैंने कांटेक्ट करके रखा है, जिसको जैसा पॉसिबल है वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि आज संडे भी है, मोस्टली सब लोग बाहर जाने का प्लान करते हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रहा है। तो आई होप आप लोग ने व्लॉग ना मिक्स वाला व्लॉग एंजॉय किया होगा। अभी मेरे को ऐसा लग रहा था ना अगर मैं वो पार्ट नहीं दिखाती तो अरे इतने मेहनत से शूट किया बताया, वो रह गए थे, मैं सोचा जाने दो भले वो आगे पीछे हो गया, लेकिन एटलीस्ट मिक्स व्लॉग तो बन गया है ना आप लोग तक, व्लॉग तो आ गया, रेसिपी दो रेसिपी आ गया, एक तो रायता का भी रेसिपी आ गया, पुलाव का भी रेसिपी आ गया। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर रश्मि टू कम एंड रेशमा ऑल्सो टू कम, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा चिट चैट करेंगे फिर ऊपर जाएंगे।
मैं सोच रही हूँ अभी व्लॉग एंड करूंगी, अभी व्लॉग एंड करते करते अभी देख ली फाइनली 11 बज चुका है। एक्चुअली हम लोग का खाना खाते खाते सुशांत का वीडियो कॉल आया, उसके साथ एक एक करके बात करने में इतना टाइम चला गया। अभी दीप्ति का फोन आया तो मैंने बात किया, मम्मी बात कर रही है तो खत्म ही नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग को एंड कर ही देती हूँ। तो मैं सानू को लेकर आ गई अंदर। कल सानू का है कौन सा टेस्ट, नानू तू खुद ही बोल दे कौन सा टेस्ट है। बोल ना बाबू कौन सा टेस्ट है, से चालू होता है। बोल जल्दी, गेस करना। वो देखो आप लोगों के साथ पजल खेल रही है, म से चालू होता है गेस। अभी म से मैच भी चालू होता है, म से मेंटल मैच भी चालू होता है। अभी क्या है म से, मराठी। मराठी जो आई ने उसका पूरा रिवीजन लिया है, एक डेढ़ घंटा अभी वो बैठी है और शाम को कुछ एक घंटा आसपास बैठी है। तो 2-2.5 घंटा मम्मी ने उसका पूरा मराठी का रिवीजन भी लिया, प्लस मम्मी ने उसको सब क्वेश्चन आंसर्स भी लिख के दिया, उसको कैसे सॉल्व करने का, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, क्वेश्चन को कैसे रीड करने का, वर्ड्स को कैसे जोड़ जोड़ के रीड करने का, वो सब उसको सिखा दिया मम्मा ने। आई होप ये कल का एग्जाम अच्छे से कर ले, उतना तो कोई स्ट्रेस नहीं है, जैसा भी करेगी ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्टिंग है, फर्स्ट टाइम अभी स्कूल में जाके ये लोग एग्जाम्स दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो उनके लिए भी नया है, क्योंकि 2 साल तो वो घर पे ही थी तो सब ऑनलाइन सिर्फ टिकमार्क वाला था। तो आई एम श्योर सब बच्चों का वही हाल हो रहा है, इतने टाइम के बाद स्कूल जाके क्वेश्चन पेपर पे सब करना पड़ रहा है, सबकी बोलते ना हालत टाइट हो रही है कि ऑनलाइन में इट वॉज ईजी, बट अभी क्या एक्चुअल एग्जाम देने जा रहे हैं। और हम लोग के सानू का ड्रॉइंग डे बाय डे इतना इम्प्रूव होते जा रहा है ना, रोज सुबह उठती है मोबाइल ऑन करती है और मोबाइल पे जैसे सिखाते हैं ना कि अगर फेस बनाना है तो पहले 2 ड्रॉ करो, फिर 2 सर्कल। हाँ गांधी जी का फेस बना रही थी सुबह, तो 2 ड्रॉ किया और उसके बाद 2 जीरोस बनाओ, फिर उसको ज्वाइंट करो तो उनका, हाँ तो उनका चश्मा बन गया, फिर कान बनाओ। इतना सानू ने अच्छे से उसको ड्रॉ किया ना, मतलब मैं सानू को वही बोल रही थी अगर तुझे ड्रॉइंग क्लास जाना है तो मैं तुझे डालती हूँ, तो बोलती नहीं नहीं मैं घर पे मोबाइल से देख के करूंगी। उसका ड्रॉइंग एकदम निशु और सुशांत के जैसा ही, और उसको ड्रॉइंग का हाथ भी उसका बहुत अच्छा है, मतलब 2 भी उसने इतना प्रॉपर निकाला था एकदम, मतलब अगर आपको मैं वो मोबाइल हटा के दिखा दूँ ना तो आप एकदम गैस कर पाओगे कि इसने गांधी जी का फेस बनाया, इतना अच्छा। कहाँ बनाया नानू, कहाँ रखा है वो बुक, मैं देखती हूँ अगर मिलेगा ना तो आप लोगों को दिखाते, अगर इसने पेज फाड़ा नहीं होगा या उसको इरेज नहीं किया होगा, आई डोंट नो, कर दिया इरेज, कल्याण कर ही दिया इसने। बट वो सुबह ड्रॉ कर रही थी, बहुत अच्छा किया उसने, इन फ्यूचर कभी देखती हूँ कोई उसका ड्रॉइंग होगा तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। एनीवेज आज का हाँ जाओ आज का व्लॉग एंड करते हैं, हाँ एक मिनट वो लेकर आ रही है, मैं आपको फास्ट क्विकली एक एक दिखा देती हूँ जो भी सानू ने ड्रॉ किया है वो। तो सबसे पहले उसने सुंदर सा देखिए हाउस बनाया पूरा, माउंटेन ट्रीज एंड गांव बनाया, उसका गांव बनाया। उसके बाद नेक्स्ट तो ये एकदम नेशनल बर्ड बना दिया है, एक्चुअली नेशनल बर्ड नहीं है ऐसे ही उसने कोई, आई थिंक पैरेट है ना नानू, नेशनल बर्ड ही बना, अच्छा नेशनल बर्ड बना है। उसके बाद उसका फेवरेट जो उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है तो मोबाइल पे देखिए उसने कैंडी आइसक्रीम बनाया कोन वाला। उसके बाद उसने हार्ट बनाया, उसके ऊपर क्वीन कर, अच्छा राजा है ये, रानी है ना बाबू, हाँ रानी है, उसके आईज देख कितने प्रिटी है, तूने रानी बनाया, राजा के आईज ऐसे नहीं होते। उसके बाद ये नहीं है तो मोबाइल है, वो तो उसने बॉर्डर ड्रॉ किया है। उसके बाद ये देखिए उसने डक ड्रॉ किया है, मतलब डक को बेचारा खाना नहीं मिल रहा है, देखिए कैसा हाल हो गया डक का, बट एटलीस्ट शी इज ट्राइंग हर बेस्ट। और अच्छा ये वाला डक तो अच्छा है, ये अच्छा दिख रहा है, ये थोड़ा बेटर है और सुंदर भी ड्रॉ किया है। और ये क्या ड्रॉ किया नानू, ये क्या है, केक है, अच्छा ये केक बनाया है, बट अच्छा बनाया सानू का, बस 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 ये भी दिखाया, ये भगवान सब देख लो आप लोग, ये देखो ये भी बनाया है और लास्ट ये सब पेपर फाड़ फाड़ के, हाँ अरे पीछे वाला दिखाना है ना, हाँ ये देखिए, बस बस बहुत हो गया। उसके पास ना इतने सारे ड्राइंग बुक हो चुके हैं, हफ्ते हफ्ते में मुझे ड्राइंग बुक लाना पड़ता है, एक एक दिन में 3-3, 4-4 पेजेस खत्म कर देती है, वाटर ये देखिए वाटर कलर के साथ, ये देखिए सब सानू का काम है, पूरा वाटर कलर के साथ किया है ये देखिए, हाँ इसमें आधा जन्मेश दादा का था, आधा आई थिंक वो जन्मेश का था जो अभी मैंने आप लोग को दिखाया, हाँ जन्मेश का, सानू का, ये सानू का काम है, ये सानू का काम है। तो ऐसे वो दिन में बस बस 3-3, 4-4 पेजेस वेस्ट करती है, उसको कितना समझाती हूँ, एक दिन में 1 या तो 2 पेज कर, तो अभी वो डांट खा रही है इसलिए, देखिए उसका जूना बुक था ना उसका वो पेजेस निकाल रही है, जो लास्ट ईयर का उसका रफ बुक था कहाँ से उसको मिल गया, उसमें कुछ पेजेस बचे थे तो उसको फाड़ फाड़ के दोपहर को जब मैं सो जाती हूँ तब ये सब फाड़ फाड़ के ला के ड्रॉइंग करते रहती है। एनीवेज बाय बाय गुड नाइट, आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में मिलते, बहुत लंबा हो गया, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।